नमस्कार दोस्तों, आपका एमबी गणेश इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज हम ऊर्जा सुरक्षा का प्रबंधन कैसे करते हैं देखते हैं। विद्युत भारत होम ब्लॉक ऊर्जा संरक्षण का प्रबंधन 21 अप्रैल 2022 वैश्विक तेल मांग में 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन के भीतर चीन में सभी कारों की तेल मांग के बराबर में कटौती करने की दृष्टि से एक हानिकारक आपूर्ति संकट के जोखिम को कम करना जो इस बिंदु पर आवश्यक है। यूक्रेन पर लगातार रूसी आक्रमण के कारण तेल बाजारों में चरम से पहले कम आपूर्ति के कारण IEA ने हाल ही में कुछ आपातकालीन उपायों को प्रस्ताव दिया है जो न केवल इस विशेष अवधि के लिए बल्कि सभी समय के लिए बहुत उपयोगी है। इन प्रयासों से दुनिया भर के उपभोक्ता द्वारा महसूस की जा रही कीमत की पीड़ा कम होगी, आर्थिक क्षति कम होगी, रूस के हाइड्रोकार्बन राजस्व में कमी आएगी और तेल की मांग को अधिक टिकाऊ मार्ग की ओर ले जाने में मदद मिलेगी। हालिया रिपोर्ट में सरकारों और नागरिकों द्वारा 10 सूत्रीय योजना में शामिल अल्पकालिक आपातकालिक कार्रवाइयों से निरंतर उपायों के लिए संक्रमण के लिए अब लिए जाने वाले निर्णयों के लिए सिफारिशें भी शामिल है जो देशों की तेल मांग को लगातार संरचनात्मक गिरावट में डाल देंगे। 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में एक मार्ग के साथ 10 सूत्री योजना में अधिकांश प्रस्तावित कार्यों के लिए सरकारी उपायों द्वारा समर्थित उपभोक्ताओं व्यवहार में परिवर्तन आवश्यकता होगी। इन कार्यों को कैसे और कैसे लागू किया जाता है यह प्रत्येक देश की अपनी परिस्थितियों के अधीन है। उनके ऊर्जा बाजारों, परिवहन बुनियादी ढांचे, सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता और अन्य पहलुओं के संदर्भ में है। इस प्रकार जहां तक किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा का संबंध है, उपभोक्ता का व्यवहार बहुत मायने रखता है। जैसा कि मुझे लगता है, भारत के पास अपनी तेल खपत को कम करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। हालांकि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है और इसके लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण होना चाहिए। इस प्रकार जहां तक किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा का संबंध है, उपभोक्ता का व्यवहार बहुत मायने रखता है। मेरा मतलब है कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला के विरूपण के प्रभाव को कम करने के लिए मिलकर काम करना होगा। इस प्रकार हमने ऊर्जा सुरक्षा का प्रबंधन कैसे करते हैं देखा है। धन्यवाद दोस्तों।